हमारे फिल्म का रिलीजिंग डेट 16 फरवरी को था, जो किसी कारण की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, हमारा डेट आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या कारण है सर और क्या कहना चाहते हैं सर? टेक्निकली फॉल्ट है जो हम बता नहीं सकते अभी, टेक्निकल तो टेक्निकल होता है, इसीलिए हमारा डेट आगे बढ़ा है और हम जल्दी ही बताएंगे कि अगला डेट क्या है। आप अभिनेता के तौर पर लॉन्च होने क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से, मतलब इतनी कम उम्र में आपको लॉन्च किया जा रहा है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है इस फिल्म की और पापा का सपोर्ट ये बहुत बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में, डायरेक्टर के बारे में और खुद के बारे में इस फिल्म को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील रियली प्राउड टू बी एन एक्टर, लाइक अ मेन लीड एक्टर इन माई फर्स्ट फिल्म ओनली। एंड it's not that my dad, it's my dad's support, it's like there were also auditions, some of the child came and gave their auditions, but director said that we should like say path also to act once, so he liked my acting and said like we should take him for the actor. तो पार्ट को लेकर ये फिल्म जो बनाए हैं आप, इस तरह का जो किरदार है, क्या कितना ज्यादा आप मतलब आगे पा सकते हैं इस फिल्म के सक्सेस के बारे में को लेकर, मतलब कामयाबी को लेकर? क्योंकि जो फिल्म है थोड़ी सी लीक से हट गया है, कोई आम मसाला फिल्म नहीं है ये, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपसे? यही कहूँगा कि पार्ट को लेकर नहीं, हमारी एक अपनी सोच थी, जब कोई फिल्म बनाता है तो उसमें आर्टिस्ट से कभी सलाह नहीं ली जाती कि हम किस तरीके की फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक सोच होती है, उसको हमने उतारा है अच्छे से और मूवी हिट होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। देखिए, हमने पार्थ को इसलिए नहीं लिया कि ये प्रोड्यूसर के लड़के हैं, पार्थ इस किरदार के लायक थे इसीलिए हम लोगों ने पार्थ को लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोड्यूसर के बेटे हैं तो हमें लॉन्च किया, जो किरदार हमें चाहिए था हमने ऑडिशन लिया, हमने देखा कि ये उस लायक थे, फिर हम लोगों ने पार्थ इसमें लॉन्च किया एज ए करीना। और पार्ट सर, सर सवाल कहीं से आप सेंटर हो गए सर, और पार्ट के अलावा जितने भी कलाकार हैं सब जाने पहचाने चेहरे हैं फिल्म में, तो उनसे बताइए कि कितना ज़्यादा आसान है, मुश्किल रहा था उनको सहमति देना इस फिल्म के लिए? सर ज़्यादा आसान तो नहीं था, लेकिन जब किरदार अच्छा होता है या हमें काम आता है तो सब लोगों ने काम किया और सब लोगों ने सहमति जताई कि हाँ हम काम करेंगे, क्योंकि सबका जो किरदार था, एक छोटा भी किरदार था वो पावरफुल था, इसीलिए उन्होंने कभी ना नहीं बोला और सब लोगों ने अच्छे से काम किया, जितने बड़े एक्टर थे। तो क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी हमारी जंगली लोगों के ऊपर है सर, काफ़ी हम अलग तरह का कुछ सब्जेक्ट की कहानी, एक तरीका से आपको जिस तरीके से महाभारत में न्याय और अन्याय के खिलाफ जो आपने हमेशा लड़ाई देखी है कि एक सच्चाई की जीत होती है, तो वही हमने दिखाया है कि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव को हारना ही पड़ता है, सत्य असत्य की लड़ाई जी, इसमें न्याय और अन्याय की लड़ाई दिखाई है हमने, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और सभी को पसंद आएगी, हर वर्ग इसको पसंद करेगा। बेसिकली इट्स द मेन लीड, आई एम नॉट द सन ऑफ लाइक अ किंग और व्हाट, आई एम अ सिंपल गाय, वन ऑफ गाय इन द विलेज, लाइक आई एम नॉट हिज सन, बट ही टुक मी फ्रॉम अ प्लेस एंड बड़ा किया मुझे, कि पाला पोसा मुझे और ऐसा। वन ऑफ माई ट्रेनर केम लाइक कॉल्ड दीपक लामा, ही स्टेइंग हियर नियर ओनली, he came and he taught me, you know, talwar bazi sikhai aur some martial arts and boxing. ek sath se jo is duniya mein nahi hai, aapki film se jude the, kya kehna chahenge aap? hum unke liye hamesha dua karenge, bahut acche insaan the, bahut acche artist the, ki wo jahan bhi hain unki aatma ko shanti mile aur hum jab jab movie dekhenge hum unko yaad karenge hamesha. kaisi chemistry thi, matlab kaisa kaam raha aapke sath mein jaane ke baad? बहुत बहुत अच्छा, एक तरीका से हम वन वीक के अंदर ही एक फ्रेंड सर्कल हो गया था हमारा, हम एक दूसरे को जिस तरीके से फ्रेंड एक कोई भी समस्या होती है उसको बैठ के सुलझाते थे, तो एक फ्रेंड टाइप का हमारा दोनों। देखिए इंदर जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे, मेरे साथ काम करते समय सेट पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किया है तो उन्होंने ही किया, सपोर्ट तो सबने किया है लेकिन इंदर जी को ज़्यादा ही सपोर्ट किए, जो भी बोला गया जैसा ही बोला गया उन्होंने उस किरदार को किया। क्लैप शॉट इंदर कुमार जी के हाथ से दिया गया था जी मूवी का जो पार्ट है। यस।
सर दर्शकों को काफी इंतजार है इस फिल्म का, फिर भी अंदाजा कितना समय लग सकता है इसको रिलीज होने में? आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी, ज्यादा इंतजार बहुत जल्दी, उनसे ज्यादा हमें इंतजार है कि हम जल्दी से दर्शक को पहुंचा, क्योंकि हमने काफी पब्लिसिटी कर दी है, गर्म कर दी पिक्चर को, तो जल्दी हम लोग डेट डिसाइड करके आगे आप लोगों को बता देंगे कि अगला क्या डेट होने वाला है। हमें तैयारी के जो भी होगी बड़ी पब्लिसिटी और बड़ी कंपनी से रिलीज होगी। हरविंदर जी, क्या कुछ कारण रहा कि रिलीजिंग डेट पीछे लेना पड़ा? क्या वो पैडमैन बीच में आड़े आ रहा था? नहीं, देखिए डायरेक्टर साहब ने अभी, श्यामल जी ने अभी आपको बताया कि हमारा टेक्निकल फॉल्ट था, जैसे यूको वगैरह में हम जब हार्ड डिस्क को लोड करने गए तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हमारा डिले है। क्या क्या टेक्निकली अगर बातें करें टेक्निक की, तो बहुत कुछ इसमें VFX यूज़ किया गया है, और उसके चलते कुछ कारण रहा डिले करने का? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिक्चर फुल कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ टेक्निकली इस फिल्म में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, क्या चीज़? जी, जो अभी नई टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आई है नई फिल्मों को लेके, वो आपको देखने के बाद से पता चलेगा कि हमने नई टेक्निक। ये सारी चीज़ें हम बता देंगे तो हमारी मूवी में आप बता देंगे, बस यही है कि कुछ अलग हटके हैं, आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा, ऑडियंस भी उत्सुक होगी ना कि नई चीज़ क्या है, तभी तो देखने जाएगी सर, अगर ऑडियंस उत्सुक होगी तभी तो देखने जाएगी, हम सब कुछ बता देंगे, बस यही है कि हमने जो पोस्टर में दिखाया है इससे लगता है कि हमने कुछ नया चुना हुआ है, तो बस सारी चीजें अभी नहीं बताएंगे, कुछ ये रिलीज के बाद ही ऑडियंस देखेंगे। चलिए पांच से पूछते हैं, पांच क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ है ये लोग बताने वाले नहीं, आप ही बताइए। अगर भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी मूवी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई, सम टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक इन UFO, लाइक जब हार्ड डिस्क वो हो रही थी तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। हाँ पहले थोड़ी हुई थी ऐसे कि लाइक टाइगर जिंदा की वजह से, बट इस बार ऐसा कुछ था नहीं कि बड़ी मूवी आ रही है इसलिए, बस थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, वरना मूवी फुल कंप्लीट हो चुकी। नहीं, सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि थिएटर नहीं मिल रहा है इसलिए आप लोगों ने पीछे। नो, दैट्स नॉट द जानकारी मिल रही है आपको, सूत्र तो कुछ भी हो सकता है, सूत्र कुछ भी बोल सकते हैं, सूत्र जो है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी, हमें लगता है कि मार्च तक हमारी फिल्म आ जाएगी सिनेमाघरों में, लेकिन डेट क्लियर डेट और हम कंपनी अभी अनाउंस नहीं करेंगे सर। फर्स्ट वीक इट वॉज लाइक रियली हार्ड फॉर मी टू लाइक एक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, आई फील रियली यू नो नर्वस लाइक इफ दे विल स्कोल्ड मी इफ आई एम नॉट डूइंग, बट दे रियली हेल्प मी ऑन द शूट लाइक हाउ टू गिव द एक्सप्रेशन एंड हाउ टू यू नो वॉक एंड इन एक्शन सीन्स मोस्टली शहबाज खान जी हेल्प मी लाइक हाउ यू नीड टू लाइक kick the some the guy in front of you and how you need to get in the expressions. पार्क पहले का इंटरव्यू देखे और अब का इंटरव्यू देखे तो काफी चेंजेस आया तुम्हारे में, कहां से आया है कॉन्फिडेंस, कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लाइक एवरीवन फील्स नर्वस नाउ, धीरे-धीरे आदत हो गई, मतलब एक्टिंग में भी ऐसा ही था, धीरे-धीरे आगे इंप्रूव हुआ। अच्छा एक्टिंग की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजिंग रहा है या नहीं कर पा रहे थे या करवाया गया या कुछ ऐसा सीन, वो रोने वाला हाँ सीन कुछ क्या था वो? रोने वाला सीन था एक, मतलब रोना आता नहीं था, हंसने के टाइम पे रोना था, रोने के टाइम पे हंसना आता था, बस उसमें दिक्कत हुई फिर ज़्यादा, मतलब एक्शन सीन में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि वो जंगलों वाली एरिया में, इतनी रफ एरिया में ऐसे विदाउट स्लीपर्स भागना पड़ता था। एक सीन था जो पार्थ को सबसे ज़्यादा कठिन लगा, वो कि एक कांटों के और जंगलों के बीच से भागना था और कंकरियाँ थी तो दौड़ना था इसको। अब ये पहले कभी इतना हार्ड वर्क किया नहीं, शूज भी इसने अपने माँ के हाथ से या बाप के हाथ से पहने तो वो फर्स्ट टाइम था कि इसको नंगा भागना है, वो भी कांटों वाली जगह में, तो दौड़ने में ये सभी को प्रॉब्लम कर रहा था। सर ने कहा कि पार्थ भाई सीन दो, तो पार्थ ने सर से कहा कि अंकल पहले आप सूज निकाल के भागिए, जब मैं ये सीन करूँगा। सर ने कहा भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट थोड़े ही हूँ, ये तो आपका काम है, आपको भागना पड़ेगा। फिर नहीं, मैं नहीं कर सकता इसे। फिर हमारे शिव कुमार गावड़ा जी DOP थे, उन्होंने पार्थ से बड़ी जमती थी कि पार्थ को मैं समझाता हूँ भाई, पार्थ को समझाया। पार्थ ने कहा अंकल पहले आप भागो, आप दौड़ो नंगे पैर, जब दौड़ता हूँ मैं करीबन ऐसा 300-400 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ था, देख रहा था ये नौटंकी कर रहा है। फिर मेरे पास गए पार्थ, तो सीन ही नहीं करेगा, शाम हो जाएगी अभी, मैं गया, मुझसे भी पार्थ ने वही कहा कि पापा पहले आप
नंगे पैर दौड़ो तो मैं भी दौड़ूँ। मैंने ठीक है भाई, मैंने फिर अपने सूज वगैरह निकाले, मैंने उसमें रनिंग करी, दौड़ा मैं, फिर पार्थ ने वो सीन दिया। तो ये इसके लिए सबसे टफ सीन वही था। तो ये मान सकते हैं कि मतलब स्टारडम चढ़ गया है पार्थ के ऊपर, क्योंकि अब जैसे स्टार नखरे करते हैं वैसे ये भी नखरे कर रहा था। नहीं, स्टार बनने के पहले ही नखरा था। स्टार बनने से पहले ही इसे पता चलता था कि आने वाला अपकमिंग स्टार है। चलते चलते होली पे अगर हम उम्मीद करेंगे होली पे देख सकते हैं इस फिल्म को? नहीं देख सकते हैं सर, होली पे नहीं देख सकते जी। नहीं, होली के बाद ही देखने मिलेगा दर्शक, उसके पहले नहीं। हम कोशिश भी करेंगे तो भी एक महीने का समय लेंगे। हमारी सभी तो देशवासियों को पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं कि होली क्या त्यौहार है, एक प्रेम का त्यौहार है। तो हम शुभकामनाओं के साथ में यही कहेंगे कि होली के सेकंड वीक में शायद मूवी देखने को मिलेगी आपको। हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी मूवी को रिलीज। मेरा नाम कृष्णा पांडे है और मैं इस मूवी में जो है मेरा किरदार देवांका था, जो इसमें पार्थ हीरो है, उसको मैं पालता हूँ और बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद जब मुझे लोग जो है शाहबाज खान के जो कैरेक्टर लोग रहते हैं मुझे मार देते हैं और वहीं से एक्शन चालू हो जाता है। मेरा बच्चा जो बड़ा हो जाता है और वहीं से काफ़ी एक्शन में जो है उतर जाता है, फिर वहाँ से क्लाइमेक्स चालू हो जाता है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मन बग्गा है और फिल्म में मैं मोजन का किरदार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा श्यामल के मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए कास्ट किया और फिल्म को इस लेवल तक पहुँचाया कि मैं भी किरदार निभा सका अच्छे से और बाकी सब आर्टिस्ट भी। और थैंक यू सो मच हरविंदर सिंह सर जी, और पार्थ को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनका ज़बरदस्त लॉन्च हो रहा है। और बस यही कहूँगा, फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा कैरेक्टर वैसे इसमें नेगेटिव है, शहबाज खान जी का सेनापति हूँ मैं, बाकी सब आपको देखने के बाद और पता चलेगा। बाकी फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखेंगे आपको खुद को पता चलेगा, उसे पोस्टर से भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो फिल्म बहुत अच्छी है, एक बार नहीं 10 बार जाके देखेंगे आप ऐसी फिल्म में। सर पोस्टर देख के लगता है कि ये जो है बाहुबली से इंस्पायर भी का क्या? नहीं, आप इसको बाहुबली से इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते, आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइबल स्टोरी है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है और डिफरेंट जोनर है। ये डिफरेंट जोनर की बहुत अच्छी फिल्म है और मेरे हिसाब से मैंने 80s 90s जब मैं शायद बहुत छोटा रहा होगा उस टाइम में ऐसी फिल्म देखी, पर ये लेवल की नहीं देखी जो कॉस्ट्यूम ड्रामा, जो टेक्निक्स इस पर यूज़ हुई है, और सबसे बड़ी बात जो डायरेक्शन इसमें हुआ है श्यामल सर का, माइंड बहुत 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 वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त है। अब बाकी मैं इससे पहले भी एक दो प्रोजेक्ट ऐसे कर चुका हूँ, पर एज एन एक्टर इतनी छूट कोई डायरेक्टर नहीं देता है, और इतनी छूट और इतनी सारी चीज़ें सब बंदों को सब टैक्स। सर सेक्टर ओके ओके जी 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 मेरा नाम कृष्णा पांडे है और मैं इस मूवी में जो है मेरा किरदार देवांका था, जो इसमें पार्थ हीरो है, उसको मैं पालता हूँ और बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद जब मुझे लोग जो है शाहबाज खान के जो कैरेक्टर लोग रहते हैं मुझे मार देते हैं और वहीं से एक्शन चालू हो जाता है। मेरा बच्चा जो बड़ा हो जाता है और वहीं से काफ़ी एक्शन में जो है उतर जाता है, फिर वहाँ से क्लाइमेक्स चालू हो जाता है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मन बग्गा है और फिल्म में मैं मोजन का किरदार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा श्यामल के मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए कास्ट किया और फिल्म को इस लेवल तक पहुँचाया कि मैं भी किरदार निभा सका अच्छे से और बाकी सब आर्टिस्ट भी। और थैंक यू सो मच हरविंदर सिंह सर जी, और पार्थ को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनका ज़बरदस्त लॉन्च हो रहा है। और बस यही कहूँगा, फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। मेरा कैरेक्टर वैसे इसमें नेगेटिव है, शहबाज खान जी का सेनापति हूँ मैं, बाकी सब आपको देखने के बाद और पता चलेगा। बाकी फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखेंगे आपको खुद को पता चलेगा, उसे पोस्टर से भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो फिल्म बहुत अच्छी है, एक बार नहीं 10 बार जाके देखेंगे आप ऐसी फिल्म में। सर पोस्टर देख के लगता है कि ये जो है बाहुबली से इंस्पायर भी का क्या? नहीं, आप इसको बाहुबली से इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते, आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइबल स्टोरी है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है और डिफरेंट जोनर है। ये डिफरेंट जोनर की बहुत अच्छी फिल्म है और मेरे हिसाब से मैंने 80s 90s जब मैं शायद बहुत